फ्रेंड, आज आप लोगों का अतरंगी रेसिपी में स्वागत है। तो चलती हूँ किस तरीके से कच्चे आम के बनाने के लिए चल रही हूँ। कच्चे आम को मैंने छील करके काट लिया है। गुठली वाला ये आम है, जाली पड़ चुकी है इसके अंदर, तो मैंने साइड काट दिए साइड और बीच की गुठली छोड़ दिया यूं ही। तो चलती हूँ तड़का लगाने के लिए। सबसे पहले मैंने जीरा डाला है और ये कलौंजी डाली है। ये अगर आपके पास एक चीज़ है जीरा, तो जीरे से भी बन सकती है, कलौंजी है तो कलौंजी से भी आप ये रेसिपी बना सकती हैं। तो फौरन जैसे चटक जाए फौरन ये आम भी हमें डाल देना है। तो आम भी को थोड़ा सा चलाने के बाद फौरन इसमें कुछ मसाले जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देती हूँ। गैस को मैंने लो कर रखा है, हाई नहीं करा है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, स्किप मत करें, पूरी वीडियो देखें। तो ये सबसे पहले मैंने नमक इसमें डाला है और ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। ये कस्तूरी लाल मिर्च है, तीखी वाली नहीं है, ये कलर लाने के लिए डाली गई है। और ये डाल रही हूँ थोड़ा जीरा पाउडर और सौंफ पाउडर। तो इतने ये मसाले डालने हैं मुझको, और ढक करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए इसको। अच्छी तरीके से देखिए कितना टेस्ट और कितना बढ़िया देखने में लगने लगी है यहाँ भी। अच्छा, तेल इसमें अपने मनपसंद थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं, तो तेल अपना मनपसंद डाल सकते हैं। मसाले ये इतने ही जाएंगे इसके अंदर, और इसमें धनिया बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अब देखें ये इतना हमारा ये राब है, गुड़ वाली जो राब होती ना, ये राब है। तो चाहे तो आप गुड़ से भी बना सकते हैं, चीनी से भी बना सकते हैं, और राब से भी बना सकते हैं। तो मैं अब ये बना रही हूँ ठंडे के लिए, ये राब वाली इसमें डालूँगी मीठा के लिए। तो ये इसमें मीठा करने के लिए राब डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, किसी चीज़ में भी ये खट्टी तीखी मीठी आम भी बना सकते हैं। तो ये वाकई ही बहुत ही अच्छी डिलीशियस बनने वाली ये है चटनी की। तरीके से रोटी से खाएं, चावल से खाएं, तहरी से भी खाएं, किसी चीज़ से भी खा सकते हैं। ज़्यादातर ये रोटी से ही अच्छी लगती है, और चावल से भी बहुत ही प्यारी लगती है खाने में ये चटनी आंबी की। तो ये बहुत ही अच्छी है, बन रही है, देखने में बहुत सुंदर है। 5 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया और ये हटा लिया ढक्कन, आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनी है, क्या बताऊँ। तो इसको कुछ लोग तो इसको गुड़म्मा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मीठी खटाई भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना किसी का भी। तो वीडियो अच्छे लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ज़रूर बताएं कैसी बनी है ये रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है, तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आप लोग ज़रूर एक बार बनाएं। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आप जो देख रहे हैं उसके लिए क्या कुछ भी नहीं समय लगेगा।